Welcome, Rajesh ji. Last deal, the crime thriller is getting launched. Is mauke par, as the captain of the ship, aap is project ke bare mein kya share karna chahenge humse? Actually, jahan tak sharing ki baat hai, being a director, I would only say that it's a very interesting crime thriller. And कहानी तो इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज आप लोगों को स्क्रीनिंग पे भी आना है नो लाइक माई लॉन्च मूवी बिकॉज यू नो आई वेंट फॉर द स्क्रीन टेस्ट एंड समवन हैड शोन सर माई फोटोग्राफ एंड ही सेड इट वाज अ वेरी फनी फोटोग्राफ आई मीन आई हैव अ सीक्रेट इन माई माउथ एंड आई एम पोजिंग लाइक दिस एंड ही सॉ इट इज लाइक कॉल दिस बॉय आई गेव द स्क्रीन टेस्ट एंड देन ही लाइक्ड इट अ लॉट आई थिंक आई वॉज लकी ही लाइक्ड माई एक्टिंग And then he gave me a narration of like a part of the script. And mujhe itna maza aaya sunke ki I'm like, I have to do this. You know, it's a very author-backed role, very great character. I can't tell you too much about it, but main ghar gaya, I told my dad ki aisa aisa role. He's like, just jump and do it. So I think I'm very fortunate this whole thing happened. And I would really like to thank sir for this opportunity and the writer sir. For writing this role because jab aap dekhenge and I have to of course work hard as an actor to prove myself I'm sure you all will love this role no it's a hello everyone bahut hi talented bachcha hai hamara aur I am really happy for him because I was looking forward for this day ki ye launch hoga in a big way aur hamari shubhkamnaen hamara aashirwad inke sath hai और इसका बाप तो मेरा भांजा था दुर्योधन और ये अब लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे भांजे का बेटा अगर लॉन्च हो रहा है तो मामा तो बहुत ग्रैंड मामा बहुत खुश होगा मेरा नाम पवन कौशिक है और मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ मैंने दिल्ली में महाभारत का मंचन देखा था और जब मैंने दुर्योधन का प्रारंभ में अभिनय देखा तो मैं स्तब्ध था कि इतना अच्छा अभिनय कोई नया कलाकार मैं सोच भी नहीं सकता था जितना सिद्धांत ने अच्छा अभिनय वहाँ पे किया था बाद में पुनीत जी ने किया था पुनीत जी को सब जानते हैं गोपी पेंटल जी से अपेक्षित था कि इतना अच्छा अभिनय करेंगे ही करेंगे लेकिन वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए सिद्धांत ने इतना अच्छा अभिनय किया था और मेरी शुभकामनाएँ सदैव साथ हैं वास्तव में प्रतिभा संपन्न बच्चा है और उन्नति के सारे योग मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ नमस्कार एक बार नमस्कार के लिए तालियां हो जाए फ्रॉम दिस बेस वॉइस अमेजिंग जी मैं ये कहना चाहूँगा सब पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लस जो डायरेक्टर हैं राजेश जी सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा बधाई देना चाहूँगा और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनी कि डैड मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था मैं करके आया हूँ और मैंने नरेशन सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा तो एक एज अ एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर अपने बल पर खुद गया ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है सो दैट वाज ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो यू आर डूइंग थिएटर विद मी बाहर भी आप कर रहे हो और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है दैट मींस यू हैव अराइव्ड और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे भगवान करे आप बहुत तरक्की करें
बात है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ. यस, एक एक्साइटमेंट अवश्य है, वो होनी भी चाहिए. एक पिता के लिए इससे बड़े फख्र की बात क्या हो सकती है, गर्व की बात क्या हो सकती है कि उसका जो सुपुत्र है, उसका बेटा जो है, वो आज उसका लॉन्च डे है. फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में वो अपना पहला कदम रख रहा है. तो बहुत ही मैं कहे तो भावात्मक हो चुका हूँ. मेरा एक इमोशनल फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है. और सबसे खुशी की बात यह है कि उसने अपने बलबूते पे खुद जाके स्ट्रगल करके ऑडिशन दे के, लोग पता नहीं कितने बच्चों ने ऑडिशन दिया, उसमें से उसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, मेकर्स को इम्प्रेस किया और उसे ये फिल्म मिली है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर. ये एक्चुअली नहीं की थी, उनको काफ़ी सरप्राइज लगा क्योंकि मेरी फ़ोटो देखी, सर ने बुला लिया, मैं गया ऑडिशन दिया, सर को पसंद आया, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग मुझे पसंद आई, मैंने डायरेक्ट से कहा, तो वो बहुत खुश हो गए. उन्होंने कहा कि तूने अपने आप ऑडिशन दिया. एंड यू नो जनरली होता है कि किसी से रिकमेंडेशन लो, कुछ नहीं था, अपने आप ही चीज़ आई, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे. मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, उनके एडिटर मुझे राठी सर से मिलाया था. तो राठी सर मुझे जिस दिन मैं आई, हाँ जी हाँ, तो मैं जिस दिन राठी सर से मिलने आई थी, राठी सर ने मुझे कहानी सुनाया. तो कहानी सुनाते वक्त उन्होंने पढ़ लिया था कि आई कैन प्ले दिस रोल, सो दैट वे आई गॉट द मूवी. ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी पहली फिल्म है और मैं यहाँ पाँच से छः साल हो गए हैं तब से काम कर रही हूँ. कुछ काम किया है, लाइक कुछ वीडियोस किए हैं, पंजाब में काफ़ी काम करती हूँ. और बिकॉज ऑफ सर आई एम हियर, राजेश राठी. वो जो सर ने बताया था, अर्जुन सर ने जो स्टोरी बताई थी कि एक क्लब में मिले, ये मिले, एक इवेंट था, मुश्किल मूवी रिलीज़ हुई थी अभी, तो वहाँ पर मैं गई और सर वहाँ पे थे अपनी वाइफ के साथ, मैम वॉज देयर. सो उन्होंने देखा एक लड़की आई है, कोई अच्छी दिख रही है, तो मेरे पास आए कि आई यू मॉडल, कही सर एक्टिंग कर लो, मैंने कही सर. तो बोलते हैं कि कल आइए ऑफिस में. गई, ऑडिशन लिया, उनको अच्छा लगा. इतनी अच्छी तो एक्ट्रेस हूँ नहीं, बट उनको अच्छा लग गया, मे बी मेरी किस्मत अच्छी थी. सब लोग आए और कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो एक जो फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत कुछ कॉस्मेटिक एनर्जीज वर्क करती है. तो हर एक की किस्मत में होता है कि उसे वही काम करना है. तो मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, मैंने बहुत ऑडिशन लिए, 2 महीने तक लिए, जितने ऑडिशन लिए उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ. ये किस्मत की बात थी, बाई चांस इससे में मिला, एक पार्टी में ये सिलेक्ट हो गई, सिद्धांत से अचानक मिला वो सिलेक्ट हो गया, और उसी तरह से सुपूर्णा भी ऐसे ही मिली, तो अमित भी मिले, एक्सीडेंटली मिले. तो ये जितने भी मेरे स्टार्स हैं इस फिल्म के, वो मुझे एक्सीडेंटली मिले, प्रयास करने पर नहीं मिले. मतलब इनकी किस्मत में ये फिल्म थी, मेरी किस्मत में ये लोग. फर्स्ट तो आई प्राउड दैट कि मैं राठी साहब के साथ काम कर रहा हूँ. इस फिल्म में मैं एक डॉक्टर का करेक्टर कर रहा हूँ, और एक कॉमेडियन डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा करेक्टर है. बस अभी फ़िलहाल इतना ही जानकारी है मुझे. बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हम हैप्पी हैं अभी कि जो हम पिछले 7-8 महीने से मेहनत कर रहे थे, अब जा कर के वो रंग लाई है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं. और आप लोग की दुआ रही, पब्लिक की दुआ रही, तो जहीर और भी आगे पहुँचेंगे. अभी तो हम एक फिल्म कर रहे हैं, बाकी प्लानिंग अभी और भी है हमारी कि 2 से 3 फिल्म हम इसी ईयर में और अनाउंस करें. इस फिल्म पे 7 महीने से मेहनत किया, उससे पहले से भी मेहनत कर रहे थे एज ए प्रोड्यूसर आगे बढ़ने के लिए. सारे पार्टनर्स ने मिलकर के आगे बढ़ने का एक प्लानिंग की है. आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा लड़का यहाँ तक पहुँच गया और ये कर रहा है. बहुत मेहनत किया उसने और एक अपना बैनर लेकर के चल रहा है, तो मुझे तो और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी दैट माई ब्रदर इज अचीव दिस मच ऑफ टारगेट इन दिस एज, सो आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट दिस इज माय ब्रदर. देखिए, सबसे पहले बात तो कहूँ कि फिल्म का टाइटल है लास्ट डील, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी इतनी सारी डील हो और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि सब नए लोग हैं इसमें और हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की इसमें. पुनीत जी के लड़के सिद्धांत, पुनीत जी ने बहुत मेहनत की है.
तो ऑल द बेस्ट, मेरे से जो योगदान होगा इस फिल्म के लिए मैं करूँगा, क्योंकि इसमें एक तो पुनीत जी है, फिर मेरे साथ ईपी थे रवि सिंह, वो इसमें प्रोड्यूसर भी, एक वन ऑफ द प्रोड्यूसर है, तो मैं जो मेरे से हो सके मैं पूरा योगदान करूँगा इस फिल्म के लिए।